उड़द की क्रिस्पी पूड़ी बनाने के लिए हमने ये सब सामग्रियाँ ली हुई हैं। हमने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, ये मैंने बिना छिलके वाली एक बाउल के करीब उड़द की दाल ली हुई है। इसे मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था और ये पूरी तरीके से अच्छे से फूल चुका है। इसे मैंने अच्छे से छान लिया हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं है। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। ये मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियों को छील के ले लिया हुआ है, ये अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और 3 हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काट लिया है कि जब हम इसे ग्राइंड करें तो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और थोड़े से अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के करीब जीरा ऐड करूँगी और 1/2 टेबल स्पून के करीब हींग ऐड करूँगी। ये जो मिश्रण तैयार करते हैं इसमें जीरा और हींग का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमें वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, मिक्सर को हमें बंद कर करके इसे पीसना है और बंद करने के बाद स्पून से चलाते हुए पीसेंगे तो हमारा ये जो मिश्रण है अच्छी तरीके से पीस जाएगा। हमने उड़द को अच्छी तरीके से पीस लिया है, आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी वाटर यूज़ नहीं किया हुआ है। और इसे हमने पूरा फाइनली पेस्ट तैयार नहीं किया है, इसे मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा हुआ है और दरदरा ही रखना है इसे हमें। अब हम उड़द की पूड़ी का डो तैयार करेंगे। ये जो हमने मिश्रण तैयार किया हुआ था वो सबसे पहले हम थाली में ऐड कर लेंगे। और याद रखें उड़द की पूड़ी बनाते समय उड़द का जो मिश्रण है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए आटे के कंपेरिजन। अब इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। अब मैंने ये गेहूं का आटा लिया हुआ है, मैंने ये 200 ग्राम के करीब गेहूं का आटा लिया हुआ है। मैं इसमें 100 ग्राम के करीब गेहूं का आटा ऐड करूंगी। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो हम गेहूं का आटा बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये बाइंड जितना हो बस उतना ही हमें यूज़ करना है गेहूं का आटा। अब इसमें मैं अजवाइन डालूंगी, मैंने 1 टेबल स्पून के करीब अजवाइन लिया है। इसे हथेलियों से क्रश करके डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पूड़ी में। और अजवाइन के बेनिफिट तो आप सभी को पता है, यह हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये ब्लैक पेपर पाउडर लिया हुआ है, आप कुटी हुई काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उससे भी। अब इसमें हम चुटकी भर के करीब हींग ऐड करेंगे। हमने उड़द की दाल पीसते समय भी हींग ऐड किया था, थोड़ा सा हींग और भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम सारे मसाला पाउडर ऐड करने वाले हैं। 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। हरी मिर्च भी हमने पीसते समय डाला हुआ है इसलिए हम थोड़ा सा सोच समझ के डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून से भी कम गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ली हूँ वो ऐड करूँगी। और मैंने ये 1.5 चम्मच के करीब चावल का आटा लिया हुआ है, इसे ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर इससे हमारी जो पूड़ी है बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका हमें एक टाइट डो तैयार करना है। इसमें हमें वाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, हमने जो उड़द की दाल पीसी हुई थी उसी से हमें पूरा डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है पूरी तरीके से कलेक्ट हो चुका है, इसमें मैंने बिल्कुल भी वाटर का यूज़ नहीं किया हुआ है। आपको अगर रिक्वायरमेंट लगे वाटर का तो आप थोड़ा सा वाटर यूज़ कर सकते हैं। और इसका हमें टाइट डो ही तैयार करना है, तभी हमारी पूड़ी जो है एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल यूज़ करके डो को चिकना करूँगी। बस हमें डो को चिकना करना है, ज़्यादा गूथना नहीं है। अब उड़द की पूड़ी बनाने के लिए हमारा डो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमारा जो टाइट डो है वो तैयार हो चुका है पूड़ी बनाने के लिए। उसके पहले हम हाथों में तेल लगा लेंगे और इसकी गोलियां तोड़ लेंगे। जितनी बड़ी आपको उड़द की पूड़ी बनानी है उतनी बड़ी आप गोली तोड़ें। और इस पूड़ी को हम थोड़ा सा मोटा ही बनाने वाले हैं, इसलिए हम गोली जो है थोड़ा बड़ा साइज का ही लेंगे। इसी तरीके से हम सारी गोलियाँ
तोड़ लेंगे। इतने डो में हमारी 9 गोलियां बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम बेलेंगे। हमने चकला बेलन लिया हुआ है। सबसे पहले हम बेलन पे ऑयल लगा लेंगे। हम इसमें सूखे आटे का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो सूखे आटे का यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो उड़द की पूड़ी है उसे बेल के तैयार करेंगे। सबसे पहले हम गोली को चिकना कर लेंगे। चिकना करके इस तरीके से हम चिपटा कर लेंगे और इसे हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे और इसे इस तरीके से बेलते हुए उठा उठा के हमें बेलना है। अब हमारी एक पूड़ी जो है उड़द की वो रेडी हो चुकी है बेल के। अब इसी तरीके से हम दूसरी पूड़ी भी बनाएंगे। जैसे हम स्टफ़ किए हुए उड़द की कचौड़ी बनाते हैं उसी तरीके से सेम टेस्ट इस उड़द की पूड़ी में आने वाला है। अब ये दूसरी पूड़ी भी मैं रोल कर रही हूँ। इस पूड़ी को हमें इस तरीके से उठा उठा के बेलना है और इतना थिक हमें इसे बेलना है। आप देख सकते हैं कि कितना मोटा मैंने रखा हुआ है। सारी पूड़ियाँ हमारी बेल के रेडी हो चुकी है। अब इसे तलने के लिए हम लेके चलेंगे गैस की ओर। गैस पे मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं पूड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा हम डाल के देखेंगे और गैस का फ्लेम मैंने हाई करके रखा हुआ है। इस समय पूड़ी का जो टुकड़ा है अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है, ऊपर आ चुका है। अब हमारा तेल गर्म है पूड़ी तलने के लिए। अब पूड़ी तलते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और एक एक पूड़ी डाल के हम इसे फ्राई करेंगे और हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसे हम ऊपर से कलछल से इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे। ये अभी नहीं फूलेगा, जब इसे हम पलटेंगे तो आप देखेंगे अपने आप ही फूलने लगेगा। अब इसे मैंने पलट लिया है, नीचे से लाइट ब्राउन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये अपने आप ही फूल चुका है। इसे हमें इसी तरीके से पलट पलट के क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करना है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। हाई करके हमें इसे पूड़ी को फ्राई नहीं करना है और उड़द का दाल डाला हुआ है इसलिए हमें इस पूड़ी को ज़्यादा टाइम तक सेकना है। उड़द की कचौरी बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए अगर आप इस तरीके से उड़द की पूड़ी बनाएं तो सेम टेस्ट उड़द की कचौरी के जैसे आता है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली पूड़ी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी पूड़ी भी डाल देंगे सिकने के लिए। मेरी कढ़ाई छोटी है इसीलिए मैं एक एक पूड़ी डाल के इसे फ्राई कर रही हूँ। हमारी दूसरी पूड़ी भी है वो अच्छे से तल चुकी है, इसे भी अब एक प्लेट में निकालेंगे और बाकी सब पूड़ियों को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस उड़द की पूड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।